नमस्कार साथियों, के हुसैन्स क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग फाइनली बेसिक ट्रांसलेशन के पार्ट फोर में चले आए हैं और अब हम लोग चलेंगे यूज ऑफ वाचवेयर पर, डिटेल से जानकारी लेंगे कि यूज ऑफ वाचवेयर का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं और कैसे सेंटेंस में इसका उपयोग भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर आपने पार्ट 1, 2, 3 अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके पहले पार्ट 1, 2 और 3 ये तीनों को पहले देख लीजिए अच्छी तरह से वीडियो, फिर आप फोर्थ में जब आइएगा ना पार्ट 4 में तो बड़ा मजा आएगा। तो ये वीडियो देखने से पहले आप पार्ट 1, 2, 3 देखें, इससे क्या होगा कि आपको चीजों को समझने में आसान होगा, सेंटेंस को बनाने के क्रम में आपको आसान लगेगा। तो फाइनली अब हम लोग चलते हैं यूज ऑफ वाचवेयर की ओर। तो यूज ऑफ वाच एंड वेयर, यूज ऑफ वाज एंड वेयर, अगर आपसे कोई पूछ दे कि यूज ऑफ वाज वेयर किसको कहेंगे, डिफिनेशन पूछ दे, तो कुछ नहीं करेंगे। यदि यदि वाक्यों से बोध हो कि कर्ता भूतकाल में कुछ है तो ऐसे वाक्यों के साथ हम लोग वाज एंड वेयर का प्रयोग करते हैं, जनरल से डिफिनेशन लेके चलेंगे। और हम बोलते भी हैं, अगर आपको लिखावट अगर अच्छी ना लगे, ध्यान ना, राइटिंग तो बोर्ड पर क्या होता है कि ऑटोमेटिक ये जो मार्कर होती है ना वो फिसलने लगता है, क्योंकि ये क्या है, समतल है, और इस पर जब मार्कर चलती है तो फिसलने लगता है। और अगर 12 लिखने का प्रयास करता हूं तो वो और अच्छा से एंगल नहीं बन पाता है, छोटा लिखते थोड़ा सा बन जाता है, लेकिन अगर दिखाई नहीं दे तो आप साउंड को सुन के आप डिफिनेशन लिखने का प्रयास करेंगे या प्रयोग करेंगे। तो देखेंगे, यदि वाक्यों से बोध हो कि, यदि वाक्यों से बोध हो कि, बोध हो कि कर्ता भूतकाल में कुछ था तो ऐसे वाक्यों के साथ वाज एंड वेयर का प्रयोग करते हैं। ये आपको एग्जाम आर में नहीं पूछा जाएगा कि वाचवेयर किसे कहते हैं या वाचवेयर का प्रयोग कहां करते हैं, आपको एक सेंटेंस नॉर्मल सा दे दिया जाएगा हिंदी में और इसको ट्रांसलेट करने के लिए बोला जाएगा, या इंग्लिश का सेंटेंस दे दिया जाएगा और उसको हिंदी करने को बोला जाएगा। चाहे आप कोई भी कंपटीशन में भी चले जाइए, वहां सेंटेंस दे दिया जाएगा और उस सेंटेंस में आपको पूछा जाएगा कि इसमें करेक्ट वर्ब कौन सा होगा और इसमें करेक्ट सब्जेक्ट कौन सा होगा। तो फाइनली आपको अगर डिफिनेशन नहीं याद होता है तो तनाव लेने की जरूरत नहीं है आप, लेकिन एक बेसिक माइंड मैप के हिसाब से इसको याद रख सकते हैं ताकि एक अच्छा लगेगा कि हाँ आप एक कंटेंट को अच्छी तरह से समझ रहे हैं। तो ये डिफिनेशन याद भी नहीं होता है तो तनाव लेने की थोड़ा सा भी जरूरत नहीं है, बेझिझक आराम से पढ़िए। और फिर आगे चलते हैं हम लोग पहचान की ओर। अगर आपसे पूछ दे तो पहचान तो आपको हर हाल में याद करना पड़ेगा, यूज ऑफ एमिजार के लिए है हूं हो जैसे याद किए थे, उसी तरह से वाजवेयर के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे तो था थे थी का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा पहचान, कि जिस हिंदी मुख्य क्रिया के अंत में था थे थी इत्यादि लगा रहे तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद वाज एंड वेयर लगाकर करते हैं। मतलब जिस हिंदी मुख्य क्रिया के अंत में था थे थी इत्यादि लगा रहे तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद वाज एंड वेयर लगाकर करते हैं।
मतलब कि अगर सेंटेंस के लास्ट में ना अगर था थे थी दिखाई दे रहे आपको, अगर वह करता जो सब्जेक्ट होगा, अगर भूतकाल को दर्शाता होगा कोई सेंटेंस, अगर भूतकाल को अगर दर्शाता होगा या करता भूतकाल में कुछ था, तो ऐसे वाक्यों के साथ हम लोग क्या करते हैं कि वाज एंड वेयर का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल में लेके चलेंगे हम लोग, तो जैसे मान लीजिए कि सेंटेंस है कि मैं बीमार था, आप पत्रकार थे, सीता अच्छी थी, हम लोग नेक थे। अभी हम लोग बेईमान हो गए होंगे, यानी कहने का मतलब कि हम लोग नेक थे। फिर मान लीजिए कि पचमा हो जाएगा कि वह अच्छी थी। सेंटेंस को देखने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि ये सारे सेंटेंस भूत का है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं बीमार था, थाते थी लगा हुआ है, आप पत्रकार थे, शायद लग रहा है सेंटेंस को पढ़ने के बाद कि आप जो थे पहले वो क्या थे, पत्रकार थे। अब अपने आप में नहीं खोजने लगेगा कि मैं आज तक NDTV या कुछ भी का हो, अब ये चैनल में ढूंढने लगे कि मैं पत्रकार था या क्या था। ये सेंटेंस दे दिया गया, सीता अच्छी थी, हम लोग नेक थे, वह अच्छी थी। सेंटेंस से एक आइडिया हो जाता है, सेंटेंस को पकड़ने के लिए ऐसे सेंटेंस को लिखा जाता है। आप अपने में ये गुण नहीं ढूंढने लगेगा कि मैं पहले था या नहीं, ये ढूंढिएगा नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तब अगर आप अगर पहले होते तो फिर यहां यूट्यूब पर क्या देखते, आप तो अपने सर्वा सर्वे रहते। तो ध्यान देंगे, तो मैं बीमार था, आप पत्रकार थे, सीता अच्छी थी, हम लोग नेक थे और वह अच्छी थी। ये सारे सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, ETC लगा देंगे, सारे सेंटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, वाज एंड वेयर का सेंटेंस बोलेंगे। ध्यान देंगे, वाज और वेयर के सेंटेंस को हम लोग पास्ट टाइम लिखते हैं। क्या लिखते हैं, पास्ट टाइम का सेंटेंस। आपसे अगर पूछ देगा कि वाज वेयर को किस टाइम का सेंटेंस लिखते हैं, तो पास्ट टाइम का सेंटेंस लिखते हैं। तो फाइनली हम लोग समझ गए कि आप ये वाज वेयर का पूरी जो होती है पहचान और इसका जो एक छोटा सा डिफिनेशन है, ये आप समझ गए होंगे। फिर से मैं दोहरा देता हूं कि यदि वाक्यों से बोध हो कि कर्ता भूतकाल में कुछ था, तो ऐसे वाक्यों के साथ वाज एंड वेयर का प्रयोग करते हैं। पहचान इसका हो जाएगा जिस हिंदी मुख्य क्रिया के अंत में था, थे, थी इत्यादि लगा रहे, तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद वाज एंड वेयर लगाकर करते हैं। मतलब सेंटेंस के लास्ट में अगर वाज या वेयर लगा हुआ रहेगा तो था थे थी अगर लगा रहेगा तो उसके साथ हम लोग वाज या वेयर का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। और जैसे में हम लोग देख रहे हैं कि मैं बीमार था, आप पत्रकार थे, सीता अच्छी थी, हम लोग नेक थे, वह अच्छी थी, तो मोटा मोटी हमने समझ गया या मोटे तौर पर मैंने समझ गया कि पास्ट टाइम के सेंटेंस में अगर आपको पहचान से रिलेटिव अगर कोई भी सेंटेंस दे दिया जाए कि इसको आप पहचानिए, तो आसानी से आप पहचान जाएंगे। याद रखिएगा, इसको पहचानने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो था, थे, थी सेंटेंस के लास्ट में देखते हैं और सेंटेंस को पढ़ के देखते हैं कि वह भूतकाल की दशा को दर्शाता है या नहीं। तब फाइनली जाके चुनते हैं कि दिया गया हमारा जो सेंटेंस है वह वाज एंड वेयर का है। तो अब हम आशा करते हैं कि आप इन सारी चीजों को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो अब हम लोग चलते हैं स्ट्रक्चर की ओर, इसकी बनावट की ओर, कि इसके सेंटेंस अगर दे दिया जाएगा वाज एंड वेयर पर है, तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो फाइनली हम लोग चलते हैं वाज एंड वेयर के स्ट्रक्चर पर है। तो लिखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ वाज एंड वेयर। आप अगर लिख लेंगे तो अच्छी बात है, लिखिए कि स्ट्रक्चर ऑफ वाज एंड वेयर। देखिए, अंग्रेजी को अगर आपको सीखना है तो वर्ड मीनिंग आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। इसीलिए याद कीजिए वर्ड मीनिंग को। अगर आप वर्ड मीनिंग याद कर लेते हैं तो समझिए कि आपकी 50% दुविधा दूर हो गया अंग्रेजी से। इसीलिए आप क्या कीजिए, डेली कम से कम 10 वर्ड मीनिंग याद करने की कोशिश कीजिए।
क्योंकि आप अब बच्चे नहीं है, आप थोड़ा सा आप सोचने वाले बच्चे हो गए। बच्चे उसको कहते हैं जो आंगनवाड़ी में पढ़ता है, बच्चे उसको नहीं कहते हैं जो फिफ्थ क्लास में पढ़ रहा है उससे वर्ड मीनिंग याद नहीं हो रहा। तो ये गड़बड़ समस्या है। इसीलिए आप क्या कीजिए कि वर्ड मीनिंग को याद करने का प्रयास कीजिए। अगर आपको वर्ड मीनिंग याद हो जाती है तो समझिए कि फाइनली आप ट्रांसलेशन को आसानी से बना सकते हैं। तो हम चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वाज एंड वेयर की तरफ, कि वाज एंड वेयर का स्ट्रक्चर क्या होगा, इसकी बनावट क्या होगा, था थे थी वाले सेंटेंस का बनावट क्या होगा। स्ट्रक्चर मतलब होता है बनावट, ऑफ मतलब होता है काके की, और वाज एंड वेयर का मतलब होता है था थे थी। तो मतलब था थे थी का बनावट, मतलब पास्ट टाइम का स्ट्रक्चर क्या होगा, ये अब हम लोग लिखेंगे। तो पहला हो जाएगा आपका कि सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस ऑब्जेक्ट। आज थोड़ा डबल डबल लिखने का प्रयास कर रहा हूं, बहुत सारे कमेंट सेक्शन में आते थे, और धुंधला अगर दिखाई देना तो थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, 144 पर मत देखिए। अब नेट बचाने के चक्कर में क्या करते हैं कि 144 पर देखना स्टार्ट करते हैं कि आगे सीरियल देखना होगा, मनी मिराज है कि क्या है पता नहीं, उसका वीडियो देखना पड़ेगा। अब क्या कीजिएगा, वो भी वीडियो तो आपको देखना ही पड़ेगा, तब ना उल्टा पुल्टा सीखने को मिलेगा। तो कोशिश कीजिए कि इसको ठीक से लिखने का प्रयास कीजिए, और दिखाई ना दे तो हम बोलते भी है उसको सुन के भी लिख लीजिए कॉपी पे। फिर दूसरा हो जाएगा कि सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। तीसरा हो जाएगा कि वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। चौथा हो जाएगा आपका वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। पांचवा हो जाएगा डब्ल्यू एच वर्ड प्लस वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और छठा हो जाएगा डब्ल्यू एच वर्ड प्लस वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, किसी को माइंड में ये आता होगा कि सर डब्ल्यू एच वर्ड का इस कहां से लिख रहे हैं। तो जो पार्ट 1, 2, 3 अगर वीडियो को देखे होंगे शुरू से, तो उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा, डब्ल्यू एच वर्ड में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। तो इसीलिए पार्ट 1, 2, 3 वीडियो को जाके देखिए। अब हम चलते हैं रिमार्क की ओर, इसके रिमार्क क्या क्या हो सकते हैं। रिमार्क REMARK। तो रिमार्क नंबर 1 कि आई ही सी इट। उसके बाद सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, वाज का प्रयोग करते हैं। और इसी का दूसरा रिमार्क हो जाएगा कि यू वी दे एवं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यू वी दे एवं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वेयर WERE वेयर का प्रयोग करते हैं। मतलब कि आई ही सी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, मतलब पास्ट टाइम में, किसमें पास्ट टाइम में, मतलब पीटी पास्ट टाइम में वाज वेयर का प्रयोग करते हैं। ये पीटी ध्यान में रखिएगा। लेकिन ऐसे क्या है, अब यहां वाज वेयर का देख रहे हैं ना, तो जनरली आपको याद हो जाएगा। लेकिन ऐसे रिमार्क लेके चलेंगे सीधा सीधा, तो कुछ होते हैं छीलल किस्म के आदमी,
और कुछ होते हैं थेथरलॉजी करने वाले आदमी, जिनका जिंदगी थेथरलॉजी करते करते चला जा रहा है। तो वैसे आदमी कहेंगे अरे आई ही सी इट सिमिलर सब्जेक्ट के साथ तो बहुत कुछ लगता है, लेकिन उस ससुरा को दिखा देना कि स्ट्रक्चर ऑफ वाज एंड वेयर के लिए भैया वो ई काम कैल जाए छे, तो वो समझ जाएंगे ओ ई बात है। तो उनके लिए मुझे तो एक काम करना पड़ेगा कि आई ही सी इट और सिमिलर सब्जेक्ट के साथ पास्ट टाइम में वाज का प्रयोग करते हैं और यू वी दे एवं पुनर सब्जेक्ट के साथ पास्ट टाइम मतलब पीटी, प्रेजेंट टाइम में भी यही काम करते थे, पीटी का प्रयोग करते थे, शॉर्टकट की दुनिया है, पास्ट टाइम में वेयर का प्रयोग करते हैं। और फाइनली हम लोग समझ गए कि यूज ऑफ वाज वेयर का प्रयोग कहां कहां किया जाएगा, कैसे सेंटेंस में किया जाएगा, तो जिसमें था थे थी लगा हुआ रहेगा और अगर वह था थे थी लगा हुआ रहेगा और अगर वह भूतकाल की दशा को अगर दर्शाता होगा तो समझ जाएंगे कि दिया गया सेंटेंस जो हमारा है वो वाज एंड वेयर का है। बात तो समझ गए। अब हम लोग क्या करेंगे कि कल इन छह स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग कल अच्छी तरह से स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर और सेंटेंस सेंटेंस खेलने का प्रयास करेंगे, उससे लुढ़कने का प्रयास करेंगे, उससे दौड़ने का प्रयास करेंगे और फाइनली हम लोग कल की ही क्लास में इसको सीखने का प्रयास करेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है उसी में हम लोग क्या करेंगे, इस सारे स्ट्रक्चर को बनाने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो में जहां तक संभव हो सकेगा तो कल के वीडियो में हम लोग स्ट्रक्चर को समझने का प्रयास करेंगे कि वाज एंड वेयर के स्ट्रक्चर को कैसे बनाया जाएगा। तो फाइनली हमने समझ गया कि आप लोगों ने इन बातों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आपने, फिर से मैं दोहरा रहा हूं कि अगर आपने पार्ट 1, 2, 3 वीडियो अगर नहीं देखा है तो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके देखो और वो तीनों जब देख लेगा तो फिर पार्ट 4 की वीडियो को जाके देखो, बड़ा मजा आएगा। उसमें कुछ ऐसी बातें बताया गया है, ऐसे वर्ड मेन्यू का प्रयोग किया गया है जो इसके स्ट्रक्चर में कल प्रयोग होगा, इसके बाद वाले वीडियो में प्रयोग होगा। तो पहले उसको जाके देखिए, तब जाके इसको समझ में आएगा। और क्या करना है आपको कि वाज एंड वेयर के छोटा सा डिफिनेशन है, माइंड में रखिए, किसी को समझा दीजिए अच्छी तरह से। पहचान आपको भूलना नहीं है, पहचान आपको याद रखना है। छह स्ट्रक्चर को याद रखेंगे, रिमार्क 1, 2 को याद रखेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास में आप लोगों ने यूज ऑफ वाज वेयर को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो मैं अब उम्मीद कर रहा हूं कि आप इसको जरूर देखेंगे पूरा लास्ट तक, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है कि अगर इसको पढ़ाने के क्रम में अगर मुझसे कोई अगर गलतियां हो गया होगा तो बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। अगर मुझसे अगर गलती भी हो गया होगा तो इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, देखते रहिए के हुसैन क्लासेज।